मुस्लिम जेठानी पर हिंदू देवरानी का कहर। निशांत को अपने कॉलेज में हुमेरा नाम की एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया था। हुमेरा भी उसे पसंद करती थी। दोनों ने एक दूसरे से एक मंदिर में शादी की और निशांत उसे अपने घर लेकर पहुंचा। माँ माँ कहाँ हो, बाहर आओ माँ। अरे क्या बात है, आ तो रही हूँ। माँ देखो मैं किसे लाया हूँ। निशांत कौन है ये? माँ ये आपकी बहू है हुमेरा। क्या क्या कहा तूने? बहू? ये मुस्लिम लड़की? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं मानती, ये मेरी बहू हो ही नहीं सकती। लेकिन माँ यही सच है, हुमेरा ही आपकी बड़ी बहू है, अब आप मानो या ना मानो। हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी था। मैंने तो अपने बेटे की शादी के कितने अरमान लगाए हुए थे, लेकिन निशांत तूने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। तुझे एक बार भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? इजाजत हो तो क्या हम कुछ बोल सकते हैं अम्मी जान? अम्मी जान? किस हक से मुझे अपनी अम्मी जान मत बना समझी। हम आपसे कहना चाहते थे कि निशांत जी हमसे बेनती हम मोहब्बत करते हैं और हम भी निशांत जी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हम निशांत जी के लिए अपना सब कुछ छोड़ आए हैं, या फिर ये कहें कि अपना सब कुछ निशांत जी के नाम कर दिया। अब आप हमें ऐसे अपनी दहलीज पर से ना ठुकराएं अम्मी जान, हमें एक मौका तो दीजिए। विशाखा हुमेरा को घूर कर देखती है। ठीक है, लेकिन तुझे अपनी बहू नहीं मानती हूँ मैं, सिर्फ अपने बेटे की खातिर तुझे इस घर में आने की इजाजत दे रही हूँ, समझी? और हाँ एक बात और, मुझे अम्मी जान बिल्कुल मत बोलना, समझी? जी। बिना किसी गृह प्रवेश के ही हुमेरा घर के अंदर आ गई। हुमेरा निशांत के साथ उसके कमरे में ही जा रही थी कि तभी विशाखा ने उसे रोक लिया। अरे सुन, कहाँ जाए जा रही है? अपने शौहर के कमरे में और कहाँ? तुझे मैंने इस घर में आने दिया यही बड़ी बात है, वरना मैं किसी भी गैर मजहब के इंसानों को घर में नाखून भी नहीं रखने देती हूँ, लेकिन तू मेरे बेटे के साथ नहीं रहेगी। जी तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? वहाँ निशांत के कमरे से थोड़ा आगे मेहमानों वाला कमरा है, जा अपना सारा सामान उसी में ले जा, समझी? आई बड़ी मेरे बेटे के साथ रहने वाली। जी। ये आप क्या कह रही हो माँ? और हुमेरा तुम भी माँ की इतनी अजीब सी बात मान रही हो? क्यों? माँ आप चाहे हुमेरा को अपनी बहू के रूप में अपनाओ या मत अपनाओ, लेकिन वो मेरी पत्नी है और वो मेरे साथ ही रहेगी। नहीं रहने दीजिए निशांत जी, अगर आपकी माँ ऐसा ही चाहती है तो यही सही, और मुझे यकीन है कि एक दिन ये मुझसे खुश होकर मुझे खुद को अम्मी जान कहने और आपके साथ रहने का हक दे ही देंगी। पर मैं खुश हूँ, मुझे मेहमानों वाले कमरे में रहने में कोई परेशानी नहीं। हुमेरा बिना बात का बतंगड़ बनाए गेस्ट रूम में रहने चली गई। इस तरह कुछ दिन बीत गए। हुमेरा हर दिन अपनी सास को खुश करने की कोशिश में लगी रहती, लेकिन विशाखा पर इस सब का कोई असर नहीं हो रहा था। एक दिन विशाखा अपने पति मोहन से बोली, जरा सुनिए। मुझे तो पीयूष की बड़ी चिंता होती है, जिस तरह निशांत शादी करके एक मुस्लिम को घर ले आया था, उसी तरह कहीं पीयूष भी कुछ ऐसा ही ना कर दे। पीयूष ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मैं उसे जानता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमें निशांत से ऐसी कोई भी उम्मीद थी? नहीं ना। तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? मुझे एक लड़की पसंद है, लड़की हिंदू परिवार से और बहुत ही संस्कारी भी है। अगर आपको हो तो मैं पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा लूंगी, बोलिए। ठीक है, वैसे भी पीयूष की शादी हमें आज नहीं तो कल करनी ही है, जैसा तुम चाहो। फिर क्या था, विशाखा ने अपने छोटे बेटे पीयूष की शादी अपनी पसंद की लड़की पूजा के साथ करवा दी। अब पूजा को घर में आए थोड़े दिन हो चुके थे। पूजा घर का कोई काम नहीं करती थी, लेकिन फिर भी विशाखा उसे ही ज्यादा पसंद करती थी। सुनिए जेठानी जी, आज ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है किसी के लिए भी खाना वाना बनाने का, तो आज का खाना आप ही बनाइएगा। लेकिन ये हम दोनों का काम है। क्या हुआ, अगर आज तू कर भी लेगी तो ठीक है, और हाँ मेरे सर में बहुत दर्द भी हो रहा है, तो प्लीज पहले मेरे लिए कप चाय, फिर आप कुछ भी करती रहना। पूजा सारा सारा दिन हुमेरा पर इसी तरह से ऑर्डर चलाती थी, विशाखा भी उसे नहीं रोकती थी। वाह पूजा बहू, तूने तो इस पर्दे नशीन को इसकी औकात दिखा रखी है, वाह तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अभी तो आप देखती रहिए सासू माँ। बेचारी हुमेरा अकेले ही घर के सारे काम किया करती थी और रात को गेस्ट रूम में जाकर सो जाया करती थी। विशाखा हुमेरा को खुद की आज्ञा का इस कदर पालन करते देख उसे थोड़ा थोड़ा अपनाने लगी थी, लेकिन वो ये बात मानती नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ, ये क्या भाभी जी, आपने अभी तक सफाई नहीं की?
मैंने कर दी है पूजा। अच्छा आपने कर दी है, तो फिर ये सब क्या है? पूजा बालकनी की तरफ इशारा करती है। अगर आप सफाई कर चुकी हो तो फिर आपने ये बालकनी क्यों साफ नहीं की? वो यहाँ पर उस वक्त कुछ गिलहरियाँ बचे हुए चावल खा रही थी, बस इसीलिए मैंने साफ नहीं किया। वाह भाभी जी वाह, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। नहीं सच पूजा, मैं सच बोल रही हूँ। तभी वहाँ पर विशाखा भी आ गई। अरे तुम दोनों ये कैसी खिटपिट कर रही हो, क्या हुआ? मम्मी जी देखो ना, भाभी जी ने यहाँ से सफाई नहीं की है। वो विशाखा हुमेरा का चेहरा देखती है। अरे पूजा, अगर इसने नहीं किया था तो तू कर देती। वैसे भी सुबह से सारे काम हुमेरा ही कर रही है। व्हाट, मैं कर देती और आप इनकी साइड ले रही हो? मैं किसी की भी साइड नहीं ले रही हूँ। खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसकी साइड लेती हो और किसकी नहीं। मैं ये बालकनी साफ नहीं करने वाली। बहू ये मेरा ऑर्डर है, साफ कर इसे। अरे आप क्या अनिल अम्बानी की बीवी हो जो मैं आपकी बात मानो? मैं ये नहीं करने वाली। अगर आपको ये जगह साफ चाहिए तो आप खुद ही कर लीजिए। तुझे शर्म नहीं आती अपनी सास से तू किस तरह बात कर रही है? नहीं बिल्कुल भी नहीं आती, क्या करूं? पूजा वहां से चली गई। विशाखा अपनी लाडली बहू का चेहरा देखती रह गई। इसे मैं साफ कर दूंगी, अब परेशान मत हुई अम्मी। ओ सॉरी। नहीं नहीं बोल, तू क्या बोलने वाली थी, मुझे अच्छा लगेगा। मतलब आज मुझे मेरी ही पसंद की बहू ने आईना दिखा दिया। मुझे माफ कर देना हो मेरा बहू, मैंने कभी भी तेरे साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, मगर आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे समझ आ गया है कि जात धर्म में कुछ नहीं रखा, जिसके पास अंदरूनी खूबसूरती है वही इंसान अच्छा है। आज से हुमेरा मैं तुझे खुद को माँ बुलाने और तुझे तेरे पति के कमरे में रहने का हक देती हूँ। ये सब सुनकर हुमेरा की आंखों में आंसू आ गए। सच? शुक्रिया अम्मी जान, हमें यकीन था कि एक दिन आप हमें अपना ही लोगी, शुक्रिया। दोनों सास बहू ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। विशाखा का व्यवहार हुमेरा के लिए बिल्कुल बदला हुआ देख पूजा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। माँ सुनिए, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कल आपसे बहुत बदतमीजी से बात की थी, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास है। माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, हुमेरा से मांग। आप भी मुझे माफ कर दीजिए भाभी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि तुम तो बस मेरी सास को राजी करने के लिए एक जरिया बनी थी पूजा, अब ज्यादा मत सोचो। शुक्रिया भाभी। अब सभी घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। हुमेरा ने अपनी अच्छाई से सभी के दिल को जीत लिया था और सब कुछ सही हो गया। राजेश्वरी दूर दूर से कबाड़ा बिन रही थी और उसके साथ उसकी दो बहुएं मोहिनी और अंजू भी थी। अरे जरा जल्दी चलो, मौसम बिगड़ रहा है, कबाड़ा भी गीला हो जाएगा। जल्दी से दोनों अलग अलग कबाड़ा इकट्ठा करो। माँ जी ऐसे धीरे धीरे अलग अलग कबाड़ा इकट्ठा करेंगे तो होगा नहीं। अगर हमें काम खींचना है तो हर तरह का कबाड़ा इकट्ठा करना होगा। बाकी घर जाकर तो हम कबाड़ा छाट ही लेंगे। अरे वाह, मेरी बहू में भी दिमाग है, मुझे आज पता चला। चलो जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ, वो देखो प्लास्टिक और रद्दियाँ पड़ी है। जहाँ राजेश्वरी की दोनों बहुएं उसके साथ कबाड़ा इकट्ठा कर रही थी, वहीं उसकी तीन बहुएं घर के बाहर कबाड़ा ले रही थी। आसपास के लोग उन्हें कबाड़ा बेचने आते थे। अरे जरा लोहा कितने किलो है? 12 रुपए किलो है लोहा। हाय दैया, इतना सस्ता कर रखे हो। अरे पता भी है बाहर कितने का आता है, कम से कम 1 किलो लोहा 15-20 रुपए तो दो। हम आपको कह दे रहे हैं, लोहा इतने का ही आता है, 20 रुपए किलो रद्दी है, अगर वो है तो वो दे दो, 20 रुपए मिल जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बेचना, कोई कबाड़ा नहीं देना। हाँ हाँ तो जाओ जाओ, हम कौन से तुम्हारे कबाड़ा लेने के लिए मरे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें कबाड़ा देने आते हैं। तभी वो औरत कबाड़ा लिए चली जाती है। फिर राजेश्वरी अपनी दोनों बहुओं के साथ कबाड़ा चुनकर आती है और सब एक साथ बैठकर कबाड़े को अलग अलग करती है। पांच बहुएं जल्दी जल्दी सारा कबाड़ा अलग करो, रद्दी अलग, प्लास्टिक पीतल गत्ते अलग। अरे माँ जी कर तो रहे हैं। इतनी देर से कबाड़ा इकट्ठा कर रही हूँ कि चाय पीने की तलब हो रही है, जा अंजू बहू के लिए चाय बना कर ले आ। तभी सास की बात सुनकर अंजू सबके लिए चाय बना कर ले आती है। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। बारिश की खुशी में पांचों बहू बारिश में नहाने लगती है। तभी सास उन्हें देखकर कहती है, अरे तुम पांचों की पांचों का दिमाग घुटनों में आ गया है क्या, जो गर्मी की पहली बारिश में नहा रही हो? अरे ये बारिश अच्छी नहीं होती, अपने सर पर पन्नी तो लगा लो, जुए हो जाएंगे। अरे माँ जी
कुछ नहीं होगा। बारिश को भी आप इंजॉय नहीं करने दोगी तो हम तो कबाड़ा चुनते चुनते ही शहीद हो जाएंगे। आप भी आ जाइए, हमारे साथ मस्ती करो। मुझे तुम्हारी तरह अपने सर में जुए कराने का कोई शौक नहीं है। तुम ही नहाओ, और इस बारिश में बाल खराब होंगे तो मुझसे मत कहना। मैं तो चली चटनी पकौड़े खाने। पांचों बहू बारिश में भीग रही थी। जुल्फ से बांध लिए बादल, सिरे पे से उड़ने लगा आंचल, मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल, सबसे होके बेफिकर नाचू मैं आज छम छम छम। अच्छू, अरे दीदी बस बहुत देख लिया, अब अंदर चलो। वैसे भी बारिश के पानी से मेरे सर में खुजली मच रही है। तभी बारिश बंद हो जाती है, पांचों बहू घर के भीतर आ जाती है। अगले दिन पांचों घर के बाहर ही कबाड़ा छाट कर कबाड़ा बेच रही थी, तभी एक औरत सर खुजाते खुजाते कहती है, अयो सर में इतनी खुजली हो रही है, जरा ये प्लास्टिक और पीतल का दाम बताना, टूटा फूटा है। हाँ हाँ टूटा फूटा सब बिक जाएगा, लाओ तोलू। मोहिनी जब तक कबाड़े को छोड़कर अपनी जेठानियों के साथ तोलती है, उतने में पुष्पा नाम की औरत अपने सर में से खुजा खुजा कर जुए निकाल कर मार रही थी। ये होता हुआ शिप्रा और काजल देखकर कहती है, आय हाय कितनी गंदी औरत है, यहीं पर खड़े होकर जुए निकाल रही है। दीदी जल्दी से ये कबाड़ा लेकर दफा करो, कहीं हमारे जुए ना हो जाए। मोहिनी जल्दी जल्दी करो, इस औरत को ऐसे देखकर मेरे सर में भी खुजली हो रही है, कहीं मेरे जूते नहीं हो गए ना। अरे नहीं नहीं, बात करने और देखने से बिना खुजली होने लगती, बस असल में हमारे सर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सर खुजाने वाली औरत ये लो, अपने कबाड़े के लिए पैसे लो और चलती बनो। ये सुनकर वो औरत मुंह सड़ा कर चली जाती है। तभी पांचों एक साथ अपने सर खुजाने लगती है। तभी बड़ी बहू शिप्रा के नाखून में जुआ निकल कर आता है और वो कहती है, हाय हाय ये क्या हो गया, मेरे हाथों में कुछ आया और मेरे ही जू निकल गए, कहीं वो औरत डालकर तो नहीं चली गई। नहीं नहीं वो औरत तो हमसे दूर थी और हम तीनों तो पास भी नहीं खड़े थे उनके, क्यों हो रहा है ये भी खुजा रही है। अब तो मेरे भी सर में हो रही है खुजली, अरे जल्दी से माँ जी के पास चलो। तभी सिर खुजाते हुए पांचों बहू अपनी सास के पास जाकर एक स्वर में कहती है, माँ जी हमारे सिर को देखिए ना, हमारे सर में एक साथ बहुत खुजली हो रही है। मैंने तो तुम्हें पहले ही तो कहा था कि बारिश में मत जाओ, उस बारिश के कारण ही तुम पांचों के सर में जू पैदा हो गए हैं। एक दूसरे का सर देखकर खींच खींच कर निकालो, मुझे तो तुम्हें दूर देखकर ही उल्टी आ जाएगी। हॉस्टल पर कपड़ा बांध कर खाना बनाना, कहीं तुम्हारे लटकते हुए जुल्फों के जूस में गिर पड़े। अगले ही पल पांचों बहू एक दूसरे का बारी बारी से सर देख रही थी। तभी काजल दूसरे बहू के सर से जू निकाल कर कहती है, हाय हाय यार तेरे सर पर कितना मोटा जू है, देख तो कैसे चल रहा है, तेरा इतना खून पी लिया इसने। ऐसी बात है तो इसे बहुत बुरी मौत देना, ये ले मर गई। मेरे सर में भी खुजली हो रही है, भारती जरा मेरा सर तो देख। ठीक है मैं देख लूंगी, पर तू भी मेरा सर साफ करेगी, समझ आई बात, तुम भी 2 घंटे तक। वक्त गुजरता है, पांचों बहू अपनी सास के साथ कबाड़ा चुनते चुनते सर में भी हो जाती है और दूसरों के दरवाजों पर जाकर एक हाथ पैर में तो दूसरा हाथ सामने होता है और कहती है, सुनिए ना आपके घर पर कोई कबाड़ा है तो हमें दे दीजिए। कबाड़ी वाले कबाड़ा दे दो। हाय हाय कबाड़ा मांग रही हो या सर खुजा रही हो, जू है ना तुम्हारे सर में, चलो जाओ मुझे तुम्हें कबाड़ा नहीं देना। जू वाली औरत भागो यहाँ से, तू कबाड़ा भले ही ना ले लेकिन अपने जू जरूर छोड़कर चली जाएगी। ठीक है हम जा रहे हैं। थोड़ी दूर आकर पांचों कबाड़ी वाली बहू कहती है, जो दूसरों के साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है, चलो हम सब कहीं और जाकर कबाड़ा इकट्ठा करते हैं। हाँ चलो चलो। ये कहकर वो एक हाथ से सर खुजाते हुए इधर उधर कबाड़ा इकट्ठा करती है, फिर उन्हें कहीं और जाकर बेच देती है जिससे उनका घर चलता है। इन दिनों पांचों जू से इतनी परेशान हो गई थी कि हर वक्त सिर खुजाया करती थी और रोते हुए मोनिका कहती है, हे भगवान इन्होंने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, मैं इतना सर खुजाती हूँ कि अब मेरे सर में दर्द हो रहा है, रात को हम चैन से सो भी नहीं पाते, यही समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें।
आते जाते लोग उन पांचों कबाड़ी वाली बहुओं को खुजाते हुए देखकर हंसते हैं और कहते हैं, अगर इतना ही जुए से परेशान है तो अपने सर पे मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लो, सारे जुए खत्म हो जाएंगे। हाँ, और इसके साथ हम भी खत्म है ना पागल आदमी। ऐसा करो टकली हो जाओ, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। यहाँ तो हमारा बहुत मजाक उड़ रहा है, चलो चलो घर चलते हैं। सास उनके जुए की बात से परेशान होकर अपने लिए जुए खत्म करने का रामबाण नुस्खा शैम्पू लाती है, पर वहीं दूसरी ओर पांचों बहुए जुए खत्म करने के लिए एक दूसरे के सर पर ट्रिमर चलाकर खुद को गंजा कर लेती है। जब सास उनके पास आती है तो कहती है, अरे मोरी मैया, ये तुम पांचों गजनी क्यों बन गई हो? इतने लंबे लंबे बालों को तुमने काट दिया, पर ऐसा क्यों किया? माँ जी, हम पांचों जू से बहुत परेशान हो गई थी, किसी ने हमें कहा कि टकली हो जाओ तो हमने यही समझा और एक दूसरे को टकला कर दिया। अरे कम दिमाग की मेरी बहुओं, 10 मिनट का भी सबर कर लेती ना तो तुम्हारे बाल आज तुम्हारे पास होते। अरे मैं तुम्हारे जुए खत्म करने का शैम्पू लाई थी, अब तो शैम्पू का कोई काम ही नहीं बचा। सर पर लगा भी लोगी तो तुम्हारी चांदी से फिसल कर नीचे आ जाएगा शैम्पू। अब रहो पांचो टकली बनकर। इस तरह पांचों बहुओं को अपने बाल काटने का बेहद अफसोस होता है और वो रोती हैं। पर कुछ महीनों में उनके बाल थोड़े थोड़े आने लगते हैं, जिसके बाद वो अपने बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और खुशी खुशी रहने लगती है। बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे गरीब होने के बाद भी अपनाओगी? क्या मेरे साथ पूरी जिंदगी गरीबी में बिता पाओगी? हाँ दीपक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और जहाँ तक रही बात गरीबी में बिताने की, तो मैं तुम्हारे साथ गरीबी में भी रह सकती हूँ, पर उसकी नौबत नहीं आएगी, मैं अकेली रहती हूँ। मैंने अपने दम पर इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया है, तो हम शादी करते ही एक नया घर और सारा सामान खरीद लेंगे, जहाँ हमें इस तरीके से रहने की जरूरत भी नहीं होगी, और तीनों नंद भी खुश हो जाएंगी। आखिर हम सब कब तक उस छोटे से घर में रह पाएंगे? श्वेता, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरा इतना बड़ा घर भी नहीं है कि हम सब उसमें आ पाए, पर वक्त के साथ मैं मेहनत जरूर कर लूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, चलो शादी की तैयारियाँ करते हैं। श्वेता, मेरी तीनों बहनों के लिए भी तुम ही शॉपिंग कर लेना, उन्होंने कभी महंगे कपड़ों की शॉपिंग नहीं की क्योंकि मैं इतना कभी उन्हें दे ही नहीं पाया। तुम चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। ऐसा कहकर दोनों शादी की तैयारियों के लिए मॉल जाकर शादी का जोड़ा और गहने चुनते हैं और अगले दिन शादी में पहनते हैं। जहां उसकी तीनों नंदे पागलों की तरह अपने भाई की शादी में नाच रही थी, तभी श्वेता कहती है, ओए बल्ले बल्ले, आज तो मेरे भाई की शादी है, आज तो मेरे भाई की शादी है, अमीर मेरी भाभी आई है। हाय हाय, ये मेरा कितना हाई स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं, सब लोगों के सामने पागलों की तरह नाच रही है। ये मेरे बिजनेस के लोग भी आए हैं यहाँ पर। दीपक जरा देखो ना, तुम्हारी बहनें क्या कर रही हैं, इन्हें समझाओ। रुको रुको, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें अभी बोलता हूँ। टीना, शिखा, पारुल, तुम तीनों मेरी बहनें हो, इधर आओ, तुम नाचो मत, गेस्ट को देखो। ठीक है भैया। भैया मुझे तो भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रही हूँ, कैटरिंग में भाभी ने चाउमीन पिज्जा रखवाया है। और भैया मैं फोटो खिंचवा रही हूँ, भाभी बहुत अच्छे कपड़े लाई है मेरे लिए। ये मेरी तीनों नंद गवारों की तरह क्या कर रही है, जैसे कभी कुछ देखा ही ना हो इन्होंने। तभी तीनों बहन ऐसा कहकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। वहीं पंडित जी दोनों की शादी धूमधाम से संपन्न कराते हैं। विदाई के बाद श्वेता बड़ी महंगी सी गाड़ी में तीन नंदों और पति के साथ अपने नए बंगले पर पहुँचती है, जहाँ बड़ा सा घर देख कर तीनों उल्लू जैसी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती हैं। और तभी दीपक उनसे कहता है, शिखा, टीना, पारुल, तुम जानती हो ना, तुम्हारी भाभी आई हैं तो उनका स्वागत करने के लिए तुम्हें उनकी आरती और कलश लाना होगा, जाओ लेकर आओ। हाँ हाँ भैया, हम अभी लाते हैं, पर ये घर तो देखो, मेरी तो इनसे नजर ही नहीं हट रही है, कितना बड़ा है, पंखा तो इतना ऊपर लगा है और वो डिब्बे जैसा दीवार पर क्या लगा है, एसी है, उससे पूरा कमरा हॉल ठंडा हो जाएगा, पर ये तुम मेरा स्वागत करोगी तभी बताऊंगी ना।
तीनों अपनी भाभी का गृह प्रवेश करने के बाद सोफी पर जाकर उछल उछल कर कूदने लगती हैं। अरे ये तुम तीनों इतनी बड़ी होकर क्या कर रही हो, नया सोफा है, ऐसे कूदो मत। टीना, शिखा, पारुल, ये सब क्या है, ऐसे नए सामान के साथ कोई करता है क्या? भैया हमें तो बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई जुमला है, भाभी ने जो घर आया है सच में ये बहुत अच्छा घर खरीदा है। हमारी भाभी भी बहुत अच्छी है। श्वेता माफ करना, मेरी तीनों बहनों ने कभी इतना अच्छा लग्जरी सामान और घर नहीं देखा, ये सब इसीलिए कर रही हैं। वो तो मुझे इनकी हरकत देखकर पता चल गया है। खैर दीपक मैं बहुत थक गई हूँ, तुम भी आराम कर लो, मैं उन्हें उनका कमरा दिखा कर आती हूँ। पारुल, टीना, शिखा दीदी मेरे साथ चलिए। तभी दुल्हन के जोड़े में श्वेता अपनी तीनों नंदों को उनका कमरा दिखाती है। तभी एक मुलायम बेड को छूती है, दूसरी टेडी बियर को देखती है, तीसरी खिड़की पर बैठ जाती है। उनकी ऐसी हरकत देखकर श्वेता अपने मन में कहती है, दीपक ने मुझे जो बोला वो ठीक है, फिर भी ये तीनों नंदे मुझे जरूरत से ज्यादा गवार दिखाई दे रही है, जैसे कभी ये गद्दा भी नहीं देखा हो। भाभी देखो ना, ये गद्दा तो मुझे बहुत मुलायम लग रहा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, और ये कमरा भी बहुत अच्छा और बड़ा है। इतना बड़ा घर तो भाभी मैंने कभी नहीं देखा, और यहाँ ये कितना सुंदर चांद तारे दिख रहे हैं। खिड़की से नीचे गिर जाओगे, इधर आओ। भाभी मुझे एक एसी चलाकर दिखाओ ना, ताकि ठंडा ठंडा लगे कमरे में। ये देखो रिमोट लेकर ये वाला बटन दबाना, एसी चालू हो जाएगा, ठीक है? अरे वाह भाभी, कुल्फी की तरह कमरा ठंडा हो गया और हमें हवा भी नहीं आ रही, कितना अच्छा एसी है। दीदी यही इसकी खासियत है, अब आप तीनों सो जाइए, हम भी सो रहे हैं। ऐसा कहकर श्वेता सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर तीनों एलईडी टीवी चलाने के लिए उसके तार को हिलाते हैं। ये देखकर श्वेता कहती है, अरे आप तीनों ये क्या कर रहे हैं? भाभी ये टीवी जैसा लग रहा है, हम इसके तार हिला रहे हैं ताकि इसमें कुछ आने लगे। अरे दीदी पहले इसको यहाँ से ऑन करो, तभी तो कुछ चलेगा इसमें, ये पहले के जमाने की टीवी की तरह नहीं है। पता है टीना पारुल, इन कमरों के ऊपर भी दो मंजिल हैं, और इस घर में इतने सारे नए नए डिब्बे हैं कि क्या ही बताऊं। वो देखो वो छोटा सा क्या है, भाभी कपड़ों पर रख रही थी। उसे प्रेस कहते हैं। शिखा दीदी जिन कपड़ों पर सिलबटे होती हैं, उसे ये प्रेस जल्दी से कड़क कर देता है। बड़े काम की चीज है भाभी, मेरा सूट भी कर देना। हाँ हाँ बिल्कुल। ओ गॉड, इतनी गवार नंद क्यों है ये तीनों की तीनों, इन्हें एक नॉर्मल चीज प्रेस के बारे में भी दीपक ने कभी नहीं बताया, ना अपने घर में यूज किया होगा। वक्त गुजरता है, गवार नंद अपनी बेवकूफी के कारण अक्सर श्वेता को परेशान करती थी, पर श्वेता उनसे कुछ नहीं कहती थी। कभी वो श्वेता का हेयर स्ट्रेटनर खराब करती, तो कभी वैक्यूम क्लीनर, तो कभी वॉशिंग मशीन में रिमोट वास बर्तन डालकर उसे खराब कर देती, जिसे काफी हद तक नुकसान भी हो जाता है, और श्वेता इस बारे में अपने पति को भी नहीं बताती। एक दिन तीनों रसोई में आकर कहती हैं, यार बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना बनाए, सिलेंडर तो खत्म है, भाभी ने माइक्रोवेव का यूज करना सिखाया था। तो चलो माइक्रोवेव में कुछ बनाते हैं, पर एक मिनट, खाने का कोई सामान घर में नहीं है, क्यों ना दूध को गर्म करके ही पी लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ये सही है, हम खुद ही कर लेते हैं, भाभी सो रही है उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तीनों फ्रिज में से तीन स्टील के गिलास में दूध करके माइक्रोवेव में रख देती हैं और बटन चालू कर देती हैं, जिसके एक सेकंड बाद ही माइक्रोवेव में ब्लास्ट हो जाता है, और डर के मारे तीनों अपना सर पकड़कर नीचे झुक जाती हैं। तभी आवाज से श्वेता वहां आकर कहती है, हे भगवान ये तुमने क्या कर दिया, इतना धुआं, मुझे जल्दी से बंद करना होगा। तभी श्वेता जल्दी से माइक्रोवेव को ऑफ करती है और एग्जॉस्ट फैन चलाकर खिड़की खोलकर सारा धुआं बाहर करती है। फिर तीनों को गुस्से से कहती है, अरे तुम तीनों पागल गवार नंद हो क्या मेरी, अरे इतना टाइम हो गया रहते रहते, तुम्हें अभी तक कुछ यूज करना नहीं आया, और अगर कुछ नहीं आता चलाना तो मुझे कह देती, वैसे भी वॉशिंग मशीन को भी तुमने ऐसे ही खराब कर दिया, फिर सोफे खराब कर दिए, और वो भी चीज है, मैं क्या इसी तरह पैसे पानी की तरह बहाती रहूं? और सबसे बड़ी बात, तुम तीनों को कुछ हो जाता तो दीपक तो मुझसे ही कहते, लापरवाही की भी हद होती है, आखिर तुमने क्या किया था इस माइक्रोवेव में?
भाभी भाभी हमें माफ कर दीजिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, भूख लग रही थी इसलिए हमने दूध गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था और वो बम पटाखे बजने वाली आवाज आने लगी। ये सब होता हुआ दीपक देख लेता है और श्वेता से कहता है, श्वेता ये सब क्या है, तो मेरी मासूम सी तीनों बहनों को क्यों इस तरह डांट रही हो, आखिर ऐसा भी क्या कर दिया, माइक्रोवेव ही तो था सिर्फ। दीपक बात माइक्रोवेव की है, इनकी जान की है, शुक्र करो बच गई, हादसा इसे भी ज्यादा बड़ा हो सकता था और वो मुझे बुला सकती है ना, और ये सब मैं हमारी शादी के एक महीने से सिखा रही हूँ लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा। श्वेता की बात सुनकर दीपक और उसकी तीनों बहनों को अपनी गलती का एहसास होता है। श्वेता मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती है क्योंकि इतना ऐशो आराम मैं अपनी बहनों को कभी दे नहीं पाया, इस वजह से वो इन सामानों को चला नहीं सकी। तुम माफी मत मांगो, मैं हूँ ना, मैं इन तीनों को सब कुछ सिखा दूंगी। भाभी सॉरी, अब से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ भाभी। इस तरह श्वेता तीनों नंद को घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान को चलाना सिखाती है, वहीं दूसरी ओर वो पढ़ाई करके एक मॉडल, दूसरी जर्नलिस्ट, तीसरी डॉक्टर बनती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगती हैं।